नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी का काम हमारे ब्लड में वेस्ट मटीरियल को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। बच्चों में दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पहला है यूरिन इन्फेक्शन और प्रोटीन लॉस। ये किडनी की भी प्रॉब्लम का रीज़न बन सकती है, जिसकी वजह से बाद में किडनी फेल हो जाती है। दूसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इस किडनी की बीमारी में किडनी के अंदर और ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है और बाद में किडनी काम करना बंद कर देती है। तीसरा है मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये तब होता है जब किडनी में बड़े सिस्ट बन जाते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमेशा दोनों किडनी को इफ़ेक्ट करती है, जबकि मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़ सिर्फ एक ही किडनी को इफ़ेक्ट करती है। लास्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक नॉर्मल किडनी की बीमारी है और इस बीमारी के 90% पेशेंट बच्चे ही होते हैं। मोस्टली इस बीमारी के सिम्टम लास्ट स्टेज में ही दिखाई देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को किडनी डिजीज़ है। पहला है स्वेलिंग आना। यह आपके बच्चे को हाथों और पैरों में हो सकती है। जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तब स्वेलिंग आना एक आम लक्षण है और ये बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। पलकों के नीचे की स्वेलिंग को पेरियोरबिटाला एडिमा कहते हैं। बॉडी में स्वेलिंग तब आना शुरू होती है जब किडनी वेस्ट मटीरियल को फिल्टर नहीं कर पाती। तब वेस्ट मटीरियल हमारे ब्लड में स्टोर होने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। किडनी खराब होने का ये एक मेन रीज़न है। ब्लड प्रेशर का हाई होना सबसे आम सिम्टम है। अगर हाई ब्लड प्रेशर 30 से कम एज में होना शुरू हो जाए तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। कोशिश करें कि आपके बच्चे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इसके लिए आप अपने बच्चे की डाइट में भी फेरबदल कर सकते हैं, जैसे कि लो सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट का ही सेवन करें। आपको अपने बच्चे के ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है यूरिन पास करते समय जलन और पेन होना, जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम है और यूरिन में ब्लड का आना और यूरिन को कंट्रोल ना कर पाना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।